और वहीं राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीत गए। इस पर शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग में बीजेपी का साथ दिया है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि नंबर जिसके पास थे उसी की जीत हुई है, अब ऐसे में इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। साथ ही सोनिया गांधी को 23 तारीख को ईडी ने पेश होने का समन दिया है। इस पर तरुण चुग ने कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया है, लिहाजा उसका कांग्रेस पार्टी को सामना करना चाहिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। राज्यसभा चुनाव में नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के तीन उम्मीदवारों की जीत के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया। ऐसा है कि अब नाच ना जाने तो आंगन टेढ़े का बहाना बनाएंगे। आपके पास गणित कब था? अब हार का ठीकरा शिवसेना पे फोड़ा जा रहा है। संजय राव जी, जितने वोट शिवसेना के पास हैं वो सभी वोट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया था, और आपने घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था और बाद में दगा दिया था। देश जानता है, जनता जानती है। शरद पवार ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के तीन कैंडिडेट जीत गए हैं, देवेंद्र फडणवीस ने तो चमत्कार कर दिया। ऐसा है कि ये चमत्कार सच्चाई का है, ये चमत्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास पर है, और ये चमत्कार बताता है कि अब अगाड़ी के हाथ से रेत की तरह महाराष्ट्र की सरकार फिसल रही है। नेगेटिव कैलकुलेशन के आधार पर सत्ता में बैठे लोग, जिनका एक ही मोटो है कहीं से रंगदारी इकट्ठी हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए और पंगू सरकार चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो सोनिया गांधी को 23 तारीख का एक बार फिर से पेश होने की तारीख ईडी की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगा रही है कि दरअसल ये राजनीतिक साजिश है कांग्रेस के खिलाफ। अब आपको अदालत वहां बुला रही है, सोनिया जी हाजिर हो, और बुला भी रही है जालसाजी में, धोखाधड़ी में, तो हाजिर तो होना पड़ेगा। जो कानून है उसको अपना काम करने दीजिए, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं। न्यायालय की व्यवस्था है, न्यायालय ही फैसला करे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।